प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की डेफिनेशन की थी, और डिटरमिनेंट की डेफिनेशन हम लोगों ने जो है मैट्रिक्स या एलिमेंट्स के को फैक्टर्स यूज करते हुए की थी। माइनर की डेफिनेशन की थी सबसे पहले, उसके बाद को फैक्टर की डेफिनेशन की थी, और फिर को फैक्टर्स को यूज करते हुए इन जनरल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को डिफाइन किया था। और डिफाइन किया कैसे किया था, अगर आपके पास कोई भी एक एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेट्स से ए आपके पास एक एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स है ये एक, और हमें पता है डिटरमिनेंट जो है वो स्केलर मैट्रिक्स का ही डिफाइन है। तो एन क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में अगर आप लोगों ने डिटरमिनेंट लिखना है मैट्रिक्स का, तो हम किसी भी रो को यूज करते हुए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो लिख सकते हैं, या मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और कोई सी भी रो मीन फर्स्ट रो को भी यूज कर सकते हैं, सेकेंड रो को भी यूज कर सकते हैं, थर्ड रो को भी यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन, एंथ रो को भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो किस तरह डिफाइन है, कोई भी अब रो ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट रो ले लेते हैं, तो फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को आपने करना क्या करना है, उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A11 फर्स्ट रो की पहली एंट्री है, आप क्या करेंगे, A11 जो पहली एंट्री है उसको A11 यानी कि पहली एंट्री के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट पोजिशन वाली जो एंट्री है उसको उसी के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडिशन का सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है फर्स्ट रो की, A12, तो A12 यहाँ पे लिखेंगे, और इसी एंट्री को जो है वो इसी को फैक्टर के साथ जो कि एक नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका को फैक्टर क्या होगा, इसका को फैक्टर होगा कैपिटल A12 एंड सो ऑन। एडिशन करते हुए जितनी भी एंट्रीज हैं वो रो में आ रही हैं, आपने क्या करना है, सभी एंट्रीज जो है लिख को लिख के उनको उनके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। तो सो ऑन एडिशन, एंड भी आपके पास आ रहा है A1n। ये A1 क्या है, फर्स्ट रो की जो लास्ट वाली एंट्री है वो वाली आपके पास एंट्री जो है यहाँ पे आ जाएगी। इसको क्या कर देना है, इसको इसी के को फैक्टर के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। आपको इन दी एंड ये जो आंसर मिलेगा सारी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे ये आंसर क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स ए यहाँ पे इन जनरल लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर जो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह अगर आप लोगों ने जो है वो सेकेंड रो से एक्सपेंड करना है, तो सेकेंड रो से कैसे एक्सपेंड करेंगे, सेम वैसे ही ये वाला रो जो है वो इसको यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इसको चलो मैं यहाँ पे इस कलर से लिखता हूँ। सेकेंड रो की पहली एंट्री आपके पास कौन सी है, वो है A21। इस एंट्री को क्या करेंगे, इसे को फैक्टर यानी कि कैपिटल A21 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडिशन का सिंबल लगाएंगे, प्लस करेंगे, और सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री कौन सी है, वो है A22 स्मॉल A22, इसको इसके को फैक्टर कैपिटल A22 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, एंड सो ऑन, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। लास्ट वाली जो एंट्री है A2n, इसको इसके को फैक्टर कैपिटल A2n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर सेम ही मिलेगा, वही मिलेगा जो कि आप लोगों को यहाँ से आंसर मिलेगा, और वो जहाँ से मिलेगा उसको हम कहते हैं वो क्या है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। तो किसी भी एक रो को जो है वो यूज करते हुए या किसी भी एक रो से जो है वो मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हुए आप क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सी रो से एक्सपेंड करना है ये आप लोगों की अपनी मर्जी होती है, लेकिन यूजली या मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो को फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनके साइंस की तरतीब जो है वो उनको याद रहती है या पता होती है। हर रो की एक को फैक्टर में जो साइन आ रहे होते हैं माइनस के, उनकी तरतीब जो है वो डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करता है, इन जनरल डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास मैट्रिक्स जो है वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की निकालना भी सीखा था, और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी निकालना सीखा था, और डिटरमिनेंट इवेल्यूएट करते हुए जो माइनस का साइन आ रहा था उसकी तरतीब को भी डिस्कस किया था। एक बार इसको दोबारा फिर से मैं यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। जैसा कि 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के इसमें देखें, जब आप लोगों ने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो पहली जो एंट्री थी 4, उसके साथ जो है वो प्लस का साइन, प्लस 1 आया, माइनस 1 की पावर जब आप ली को फैक्टर फाइंड आउट करते हुए तो यहाँ पे प्लस का साइन आया। और सेकंड एलिमेंट के केस में जब आप लोगों ने को फैक्टर फाइंड आउट किया तो यहाँ पे आपके पास जो है माइनस 1 की पावर जब आप लोगों ने तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, यानी कि दूसरी एंट्री के साथ जो है माइनस का साइन आ गया।
और तीसरी आंटी के साथ जो है वो अगेन को फैक्टर जब इवेल्यूएट किया तो प्लस का साइन आया। तो ये जबान नहीं याद किया था स्टूडेंट ने, जो पहली आंटी जो भी होगी उसके साथ जो हम प्लस का सिंबल लगाएंगे यानी कि उसके साथ उसके साइन को जो है वो चेंज नहीं करेंगे। दूसरी एंट्री होगी उसके साथ हम जो है वो माइनस का साइन जो है वो लगा देंगे, वजह से कि हम जो है पूरे का पूरा फैक्टर फाइंड करें इस तरह माइनस वन, और उसके बाद देखें ये वन जो है कौन सी रो कौन सी कॉलम नंबर में है। ये वन जो है आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पे लिखें फर्स्ट रो का वन और प्लस सेकंड कॉलम का टू, फिर माइनस ये बन जाएगी माइनस वन की पावर थ्री, और माइनस वन की पावर थ्री किसकी इक्वल होती है वो माइनस वन की इक्वल होती है। तो फिर माइनस वन ये वाला वैलिड करने के बाद इसको यहाँ पे को फैक्टर में यहाँ पे यूज करें और एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें इस वन के साथ। तो जुबानी ही याद कर लेते हैं कि जब भी हम पहले फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो पहली एंट्री जो है वो उसका साइन प्लस में आएगा, दूसरी एंट्री का साइन जो है माइनस में आएगा, तीसरी एंट्री का साइन जो है वो अगेन प्लस में आएगा। तो साइन अगर यहाँ पे जो कुछ भी है वो अलग बात है, लेकिन जो को फैक्टर फाइंड करते हैं आपका माइनस वन की पावर वाला साइन आना है वो हम जुबानी इस तरह याद कर सकते हैं। ओवरऑल जो है वो हम पूरे के पूरे थ्री क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स में जो भी रोज में साइन की तरतीब आ रही है को फैक्टर में, जो माइनस वन की पावर आ रही थी उसके साइन की तरतीब को हम जो है यहाँ पे शफल करके लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका हम जो है वो सेकंड रो से भी इसको एक बार जज कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने फर्ज करें सेकंड रो से एक्सपेंड करना है डिटर्मिनेंट को, तो आप क्या करेंगे थ्री को जो है पहले क्या करेंगे उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टू को, फिर फाइव को इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो थ्री को जब हमने इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो थ्री कौन सी रो और कौन से कॉलम में मौजूद है, थ्री सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। थ्री का को फैक्टर क्या होगा, ए टू वन होगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब ए टू वन आप कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने ए टू वन फाइंड करना है तो वो क्या होगा, माइनस वन की पावर, ये टू और वन लिखा हुआ है तो टू प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ओवरऑल माइनस वन की पावर बन जाएगी थ्री, और साथ में क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट आएगा, ये एंट्री जिसका आपको फैक्टर लिख रहे हैं थ्री का को फैक्टर लिख रहे हैं इसकी रो और कॉलम को छोड़ के बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उन एंट्रीज को लिख के जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो साथ में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैंने बाकी एंट्रीज लिख दी हैं। अब ये ओवरऑल को फैक्टर का आंसर इवेल्यूएट करें यहाँ पे वो क्या बनेगा, माइनस वन की पावर टू प्लस वन यानी कि थ्री, तो माइनस वन की पावर थ्री बनेगी और माइनस वन की पावर थ्री क्या होती है वो माइनस वन होता है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट के साथ साइन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे को फैक्टर में यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे ए टू वन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, मैं फिलहाल इसको लिखता हूँ यहाँ पे थ्री, और साथ में जब को फैक्टर को लिखेंगे तो साथ में क्या आएगा, ये वाला जो माइनस वन की पावर थ्री है ये वाला माइनस आएगा यहाँ पे, और साथ में ये जो डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला डिटरमिनेंट साथ में आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम में जब हम उसी कैलकुलेशन करेंगे ये वाला माइनस जो है थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा माइनस थ्री और साथ में क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट। तो अब देखें जब आप लोगों ने सेकंड रो से एक्सपेंड किया तो सेकंड रो की जब फर्स्ट एंट्री लिखी है थ्री, तो थ्री के साथ देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे स्टार्ट में जो है माइनस का साइन आ रहा है। जब फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो स्टार्ट में क्या रहा था, प्लस का साइन आ रहा था जो को फैक्टर से साइन आता है आपका। लेकिन जब आप लोगों ने सेकंड रो से एक्सपेंड किया तो सेकंड रो से एक्सपेंड करते जब फर्स्ट एंट्री आपने लिखी तो को फैक्टर से आपको पहले जो है माइनस का साइन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह जब आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे यहाँ पे जब पूरी की पूरी रो को यूज करते हुए एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, थ्री को उसके को फैक्टर ए टू वन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे प्लस टू को उसके को फैक्टर टू कौन सी रो कॉलम में मौजूद है, टू जो है आपके पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है तो इसका को फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद प्लस फाइव, फाइव आपके पास जो है वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पे ए टू थ्री का को फैक्टर आ जाएगा। तो जब आप इसको जो है वो को फैक्टर्स को फाइंड करके मजीद कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट टाइम में, जैसा कि यहाँ पे भी किया हुआ ये वाला फर्स्ट रो के केस में, अब इसी तरह जब सेकंड रो के केस में करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने फाइंड किया है थ्री के को फैक्टर के जो है वो उसमें माइनस वन की पावर जो है वो आपको माइनस में आ देती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस थ्री, और साथ में क्या आ जाएगा थ्री जिस रो कॉलम मौजूद है उस कॉलम को छोड़ के बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी उनका डिटरमिनेंट आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे ए टू टू का को फैक्टर आएगा जो कि टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे जब ए टू टू का टू का को फैक्टर आएगा जिसको हमने ए टू टू का नाम दिया हुआ है, और उसमें जो माइनस वन की पावर इन्वॉल्व हो रही होगी उसमें माइनस वन की पावर फोर आएगी यहाँ पे टू होने की वजह से, टू और टू होने की वजह से, तो यहाँ पे माइनस वन की पावर फोर जो आपको प्लस वन में आंसर देगी, इसलिए जो सेकंड एंट्री आएगी सेकंड रो की उसमें माइनस वन की पावर आपको जब प्लस में साइन देगी, तो यहाँ पे हमें फिर क्या आंसर लगाना होगा, प्लस को जो है साइड पे करना होगा, तो प्लस को साइड पे करेंगे तो ये प्लस प्लस ही रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा
बाकी एंट्रीज का डिटर्मिनेंट टू जिस भी रो कॉलम में मौजूद है उसको हम जो है वो छोड़ के बाकी एंट्रीज बच जाएंगी उनका डिटर्मिनेंट साथ में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो फाइव और फाइव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए टू थ्री यानी कि फाइव का को फैक्टर, तो इसका जब को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो माइनस वन की पावर आएगी टू प्लस थ्री वो यानी कि माइनस वन की पावर फाइव आएगी और माइनस वन की पावर फाइव जो है माइनस में होता है आंसर, तो वो माइनस जो है वो आपका फाइव के साथ मिलेगा और यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास है वो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो माइनस को साइड पे करके जब को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हम फाइव के साथ डायरेक्टली माइनस लगा के और साथ में फाइव जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है उन रो और कॉलम को स्किप करके बाकी जो एंट्रीज बच गई है उनका डिटर्मिनेंट जो है वो साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हम डायरेक्टली जो है वो प्लस माइनस का साइन जो है लगा देते हैं। अब देखें फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो पहले रो के साथ प्लस का सिंबल, पहले एलिमेंट के साथ प्लस का सिंबल, दूसरे के साथ माइनस का सिंबल और तीसरे के साथ प्लस का सिंबल आया। लेकिन जब आप लोगों ने सेकंड रो से एक्सपेंड किया है तो पहली के साथ माइनस का सिंबल, दूसरी के साथ प्लस का सिंबल और तीसरी के साथ अगेन माइनस का सिंबल आया। तो ये माइनस की तरतीब साइन की जो तरतीब है जो अल्टरनेटिवली माइनस का साइन जो चेंज हो क्या रहता है ये डिफरेंट मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट के केस में और डिफरेंट रोज के केस में जो है वो डिफरेंट ही होता है। तो आपने अगर इसको जज करना है समझना है तो आप को फैक्टर निकाल के जज कर सकते हैं कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। ओवरऑल आप जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको जो है जुबानी भी याद रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए आपके पास अगर थ्री क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लोगों ने फाइंड करना है तो आप कोई भी मैट्रिक्स को पहली एंट्री के साथ जो है प्लस का सिंबल ही आता है, पहली रो की जो पहली एंट्री होती है अगर आप लोगों ने उसे एक्सपेंड करना है उसके साथ प्लस का सिंबल ही आता है क्योंकि वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री होती है। तो जब आप माइनस वन की पावर वन प्लस वन लेते हैं माइनस वन की पावर टू बन जाती है और माइनस वन की पावर टू जो आपको आंसर हमेशा प्लस वन मिलता है। तो पहली एंट्री का साइन जो होता है पहली रो की उसका हमेशा प्लस ही होता है किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में उसके डिटरमिनेंट के केस में। तो अगर पहला साइन प्लस का आता है पहली रो केस में दूसरा साइन फिर क्या होगा चेंज होकर माइनस आएगा, तीसरा साइन आपके पास क्या आएगा वो फिर चेंज होकर प्लस आ जाएगा। अभी हम लोगों ने चेक किया कि अगर हम थ्री क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं सेकंड रो से तो जो पहली एंट्री उसके साथ माइनस का साइन आएगा, दूसरे के साथ प्लस का साइन आएगा, तीसरे के साथ क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे तो उसमें क्या होगा पहली रो की जो पहली थर्ड रो की जो पहली एंट्री उसके साथ प्लस का साइन आएगा, दूसरी एंट्री के साथ माइनस का और तीसरे के साथ प्लस का साइन आएगा। तो आप जो है यहाँ पे याद रख सकते हैं कि आप देखें आपके साइन जो है ये वाले शफल हो रहे हैं। बस आप थ्री क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स केस में आपने किसी भी रो से एक्सपेंड करना है तो आप लोग ये पैटर्न याद रखें, पहले आपके पास क्या आ रहा है प्लस का साइन आ रहा है फिर माइनस का फिर प्लस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे चेंज हो क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा फिर प्लस का और फिर माइनस का। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है फिर माइनस का आएगा फिर प्लस का आएगा। इस तरह आप जो है वो उनको शफल करते हुए चेंज करते हुए आप साइन की तरतीब को जो है वो अपने माइंड में जो है जुबानी याद रख सकते हैं। जब भी आप लोगों ने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना होगा तो आपके माइंड में आ जाएगा कि पहला साइन प्लस का होगा एंट्री का साइन, दूसरी का दूसरे के साथ हम माइनस लगा देंगे खुद से और तीसरे के साथ जो हम क्या करेंगे प्लस ही लगा देंगे। अगर सेकंड रो से एक्सपेंड करना है तो पहली एंट्री के साथ हम माइनस लगाएंगे खुद से, दूसरी के साथ प्लस लगाएंगे, तीसरे के साथ हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे खुद से और साथ में क्या कर देंगे इनके साथ डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जिस एंट्री को आप डिस्कस कर रहे हैं वो एंट्री जिस भी रो कॉलम में मौजूद है उस रो कॉलम को छोड़ के बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी उनके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो एंट्री के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद इन दी एंड जो है वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो आप इस तरह सेकंड रो से एक्सपेंड करते हुए भी इसका आंसर जो है डिटरमिनेंट का इवैल्यूएट कर सकते हैं, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। थ्री को उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें ए टू वन के साथ प्लस टू को उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें मीन्स ए टू टू के साथ और प्लस फाइव को जो है वो उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें मीन्स आप फाइव को मल्टीप्लाई करें ए टू थ्री के साथ। अगर डायरेक्टली लिखें जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला यहाँ पे ए को फैक्टर को शो कराए बगैर ही तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे पहली एंट्री के साथ क्योंकि हम सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहली एंट्री के साथ जो है वो माइनस का साइन आएगा। ये थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स केस में बता रहा हूँ आप लोगों को मैं और साथ में क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट आ जाएगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो इस थ्री ये थ्री जिस रो और कॉलम मौजूद है उस रो और कॉलम को छोड़ दें बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटर्मिनेंट जो है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर पहली एंट्री के साथ जो प्लस का साइन है और सॉरी माइनस का साइन है तो दूसरी एंट्री के साथ क्या होगा फिर प्लस का साइन ही रहे हम खुद से लगाएंगे तो यहाँ पे टू है दूसरी एंट्री उसके साथ अगर हम प्लस का साइन लगाएंगे तो वो प्लस टू ही रहेगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा साथ में डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट आपको पता है किसका आना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एंट्री आपके पास प्लस फाइव है और इसके साथ हम क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस फाइव बन जाएगा और साथ में डिटरमिनेंट आ जाएगा। डिटरमिनेंट किसका आना है ये भी आप लोगों को पता है तो इसको सॉल्व करेंगे या फिर ये जो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ये वाला फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके
यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस 12 आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो कि हम लोगों ने सेकंड डोज एक्सपेंड किया हुआ डिटरमिनेंट को, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यही आएगा माइनस 12। तो इनफैक्ट किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे आपका आंसर जो है वो यही आएगा माइनस 12। उसके अलावा कॉलम से भी आप इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम वाइज अगर देखें तो साइन की तरतीब हमने क्या रखी है, माइनस प्लस। तो अगर कॉलम से एक्सपेंड करना है तो आप लोगों ने ये वाली साइन की तरतीब फॉलो करनी है, पहली एंट्री के साथ प्लस का साइन, दूसरी के साथ माइनस का, और तीसरी के साथ फिर प्लस का। अगर सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करना है तो पहली के साथ माइनस का साइन लगेगा, दूसरी के साथ प्लस का, और तीसरी के साथ माइनस का। इस तरह आप साइन की तरतीब जो है वो उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। अब क्योंकि हर रो और हर कॉलम के केस में इन जनरल जो है वो साइन की तरतीब जो डिफरेंट होती है, इवन के मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाए तभी साइन की तरतीब जो है वो चेंज हो जाती है, तो स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं फिर फर्स्ट रो से जो है वो प्रेफर करते हैं कि मैट्रिक्स को एक्सपेंड, की डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि उसमें साइन की तरतीब जो है वो ज्यादा इतनी आसान होती है कि कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, पहले एंट्री के साथ प्लस का, दूसरी के साथ माइनस का साइन लगेगा, तीसरी के साथ फिर प्लस का, अगर चौथी है तो उसके साथ फिर माइनस का, उसके बाद पांचवी के साथ जो है एंट्री के साथ प्लस का, अगर छठी एंट्री तो उसके साथ फिर माइनस का। इस तरह साइन की तरतीब जो है वो प्लस से स्टार्ट होकर शफल होती रहती है, चेंज होती रहती है, और हमें जो है याद भी नहीं रखना पड़ता, और ना ही को फैक्टर में माइनस वन की पावर निकाल के हमें माइनस को जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद जो है फाइंड करना पड़ता है कि माइनस का सिंबल आएगा पहली एंट्री के साथ या प्लस का सिंबल आएगा। ये हमारी कैलकुलेशन जो है आसान होती है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। इसी तरह आप लोग जो है वो 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में जो है वो आपको फाइंड करके बताया हुआ है किस तरह करना है। सेम वही क्या कहते हैं डिटरमिनेंट का जो फाइंड आउट करने का वे है कि आप लोगों ने क्या करना है, को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उनको जो है हर एंट्री के साथ जो है कि जिस रो से एक्सपेंड करना है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो है डिटरमिनेंट का आंसर मिल जाएगा, उसको हम फॉलो करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 जो है यहाँ पे 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के केस में यहाँ पे सॉल्व की हुई है, इसको देखते हैं यहाँ पे इसके डिटरमिनेंट का आंसर किस तरह मिल किया हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली जो प्रेफर हम यही करते हैं कि फर्स्ट रो से जो है एक्सपेंड करें, ताकि हमें साइन की तरतीब को जो है वो खुद से जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत ना हो। हमें पता है कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो पहली एंट्री जो होती है उसके साथ वो प्लस से स्टार्ट होगी, हम उसके साथ जो है वो प्लस का सिंबल लगाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बिलफर्ज पहली एंट्री जो है माइनस 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने माइनस 3 को जो है प्लस 3 कर देना है। माइनस पहली एंट्री के साथ माइनस का साइन लगाने का मतलब ये है कि माइनस एंट्री पहली एंट्री जो है उसके साथ जो को फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें माइनस 1 की पावर जो है वो उसमें जो माइनस 1 की पावर आ रही है को फैक्टर में, उस वो माइनस 1 की पावर आपको प्लस का साइन देती है, ठीक है। तो एंट्री जो भी होगी यहाँ पे चाहे माइनस 3 हो चाहे प्लस 3 हो, अगर प्लस 3 है तो यहाँ पे प्लस 3 ही आ जाएगा पहली एंट्री के साथ, अगर माइनस 3 है तो उसके साथ अगर हम प्लस लगाएंगे तो माइनस 3 ही रहेगा यहाँ पे, यानी कि माइनस 3 को भी आपने प्लस कर देना है। पहली एंट्री के साथ जो खुद से आप लोगों ने साइन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है या लगाना है वो माइनस प्लस का होगा। तो पहले रो से अगर एक्सपेंड करते हैं 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को, जो कि यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे चले जाते हैं। पहले एंट्री आपके पास 3 है, 3 के साथ प्लस का सिंबल लगेगा तो ये प्लस 3 ही रहेगा। अब 3 जिस भी रो और जिस कॉलम में मौजूद है उसको स्किप कर देंगे तो बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी उसका डिटरमिनेंट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड एंट्री है, अगर पहले एंट्री के साथ प्लस का सिंबल है तो दूसरे एंट्री के साथ क्या होगा, माइनस का सिंबल, तीसरे एंट्री के साथ प्लस का सिंबल, और फोर्थ एंट्री के साथ फिर अगेन क्या होगा, माइनस का सिंबल, खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी एंट्री क्या आपके पास 2 है, उसके साथ हम क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और फिर ये जो 2 जिस भी रो जिस कॉलम में मौजूद है उस रो कॉलम को स्किप कर देंगे, बाकी जो रो एंट्रीज बच जाएंगी उनके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 के बाद कौन सी एंट्री है, 2 के बाद नेक्स्ट एंट्री आ रही है 1, और पहले कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल, तब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, ये बन जाएगा आपके पास प्लस 1, और ये 1 जिस भी रो कॉलम में मौजूद है उसको स्किप कर देंगे तो बाकी एंट्रीज बच गई हैं उनके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लास्ट वाली एंट्री जो कौन सी आपके पास, माइनस 1 है, तो पहली एंट्री के साथ प्लस का सिंबल है तो दूसरी के साथ माइनस का, तीसरी के साथ फिर प्लस का, तो फोर्थ वाली के साथ क्या होगा, माइनस का सिंबल लगेगा। तो माइनस का सिंबल एक हमने खुद से लगाना है ये वाला, और एक माइनस का सिंबल यहाँ पे माइनस 1 मान में ये पहले से मौजूद है, तो ये जब दोनों माइनस कंबाइन होंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ कि पहले के साथ प्लस का, दूसरे के साथ माइनस का, तीसरे के साथ प्लस का, और चौथे के साथ माइनस का सिंबल लगाना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने माइनस ही बनाना है। ये जो प्लस का सिंबल मैं कह रहा हूँ वो एक्स्ट्रा आप लोगों ने खुद से मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो कि को फैक्टर से मिलता है। ये माइनस जो है जो को फैक्टर्स मिलता है ये इस एंट्री में जो पहले से माइनस 1 माइनस मौजूद है माइनस 1 में, उस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका आंसर इन द एंड जो है वो प्लस 1 बन जाएगा,
ठीक है। अब ये माइनस वन जिस भी कॉलम और जिस भी रो में मौजूद है इसको डिलीट कर देंगे, तो बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटर्मिनेंट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है, फर्स्ट रो की हर एंट्री को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, जो कि हम लोगों ने कोफैक्टर नहीं लिखे, जो साइन की तरतीब को ज़बानी याद रखते हुए उनको यूज किया है, और साथ में डिटर्मिनेंट जो है वो मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और आपने यहाँ इंडियन क्या कर दिया है, फर्स्ट रो से जो है एक्सपेंड कर दिया पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट को। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, वो हम लोगों ने इनको सिंपलीफाई जस्ट करना है। तो देखिए अगर आप लोगों ने 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो जब डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे या किसी भी रो से एक्सपेंड करेंगे, तो आप कि हर स्टेप में देखें या हर टर्म में देखें एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम ये करना है, ये जो 4 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनका भी आप लोगों ने जो है वो अलग अलग से जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखें 3 के साथ जो है वो ये मल्टीप्लीकेशन की हुई है, यहाँ तक ये जो की हुई है ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है फाइंड किया हुआ है। करके देख लेते हैं हम लोग, 5 फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, 5 को क्या करेंगे उसके साथ प्लस का सिंबल आएगा पहले एंट्री से प्लस का, और 5 जिस भी रो जिस भी कॉलम मौजूद है इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे, और बाकी एंट्रीज का डिटर्मिनेंट जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाकी एंट्रीज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा, और माइनस का सिंबल फिर से लगाते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे 3 आएगा। तो 0 माइनस 3 होता है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए -3, यानी कि डिटर्मिनेंट के आंसर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्यों मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि 2x2 और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है किस तरह फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने पहले इसकी एग्जांपल की हुई है, इसलिए यहाँ पे इसको डिटेल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम जो है वो अपने स्टेप को जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट करके डायरेक्टली भी उसका आंसर जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 5 को जो है वो -3 के साथ यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। यानी कि 5 जिस भी रो और कॉलम में मौजूद है उस रो कॉलम को स्किप करके बाकी जो एंट्रीज बच गई है उनके डिटर्मिनेंट को साथ में 5 के साथ जो है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारे पास क्या है -3 आया है। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है उसके साथ जो है माइनस का सिंबल लगेगा, तो यहाँ पे उसके साथ जो है माइनस का सिंबल लगा दिया है। अब ये क्या बन गया आपके पास -1, और अब ये जो 1 जिस भी रो और कॉलम में मौजूद है इस रो कॉलम को स्किप कर देंगे, बाकी एंट्रीज का डिटरमिनेंट जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 15, और माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1, और 15 माइनस 1 ये किसके इक्वल है 14 के इक्वल है, तो डायरेक्टली जो डिटरमिनेंट का आंसर यहाँ पे 14 जो है वो -1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह फर्स्ट रो की जो थर्ड एंट्री है 2, इसके साथ प्लस का सिंबल आएगा, तो 2 लिख के और 2 जिस भी कॉलम रो में मौजूद है इसको स्किप करके बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 9 और -0 9 ही आएगा, तो 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर दिया है, ये जो 3 के साथ डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा था इसका डिटरमिनेंट को जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके इसके डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट -2, ये वाला -2 और इस डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो इसी वे को फॉलो करते हुए ये यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंड करके फर्स्ट रो से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है +1 है, जो कि हम ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा, उसके साथ इस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा, और नेक्स्ट अगेन +1 है, और +1 के साथ जो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके उसका आंसर जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रही है वो करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और इन दी एंड आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 149। अब ये 149 क्या है, आपका ये जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है एग्जाम्पल में उसका आंसर है। ये तो हो गया फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर। आप इसी तरह सेकंड रो से भी एक्सपेंड करके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर फाइंड कर सकती हैं, लेकिन सेकंड रो के केस में साइन की तरतीब क्या होगी वो आप लोगों ने चेक कर लेनी है, जैसे कि 3x3 के केस में हम लोगों ने की थी। तो सेकंड रो से अगर हम एक्सपेंड करें तो पहली एंट्री जो देखें अब वो ये वाली सेकंड रो के केस में कौन सी बन रही है 4, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री बन रही है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा a 2 1। इसमें जब हम -1 की पावर फाइंड आउट करेंगे तो -1 की पावर होगी आपके पास 2+1, यानी कि -1 की पावर 3 होगी, और किसके इक्वल है वो -1 की इक्वल है, तो यहाँ पे आपका जो साइन जो है वो माइनस से स्टार्ट हो रहा है सेकंड रो के केस में। फर्स्ट रो के केस में आपका साइन जो है प्लस से स्टार्ट हो रहा था, सेकंड रो के केस में जो है वो माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ओवरऑल पूरे का पूरा ही 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में यहाँ पे एक केस में यहाँ पे साइन की तरतीब लिखता हूँ। पहली रो से अगर एक्सपेंड करेंगे तो पहली रो की पहली एंट्री के साथ प्लस का साइन आता है जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरी एंट्री के साथ हम माइनस का साइन लगाते हैं, तीसरी के साथ प्लस का, और जो लास्ट वाली है उसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं।
अब जब सेकंड रो से एक्सपेंड करेंगे तो सेकंड रो की पहली एंट्री जो है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसमें माइनस वन की पावर थ्री जो है आपको माइनस 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 वन मिलता है। तो यहाँ पे पहली एंट्री के साथ जो है सेकंड रो की पहली एंट्री के साथ माइनस का साइन आएगा। इस तरह दूसरी के साथ जो है वो आप साइन चेंज करके आप फाइंड कर सकते हैं, उसके साथ प्लस का, तीसरी के साथ माइनस का, और लास्ट वाले के साथ अगेन प्लस का साइन आएगा। उसके बाद जो थर्ड रो है, थर्ड रो में देखेंगे, थर्ड रो जो है वो उसकी जो पहली एंट्री है वो तीसरी रो और पहले कॉलम में है, तो माइनस वन की पावर तीसरी रो पहला कॉलम ये थ्री वन प्लस वन ये क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा। ये किसकी इक्वल आएगा, ये प्लस वन की इक्वल आएगा। तो पहली एंट्री का साइन जो है प्लस होगा, दूसरी का फिर क्या होगा इस तरह माइनस होगा, वो भी आपको फैक्टर से फाइंड कर सकते हैं। तीसरी का प्लस का और फोर्थ वाली का क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह लास्ट वाली रो जो है यहाँ पे अगर प्लस है तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पे अगर प्लस है तो नीचे क्या होगा इसके, माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो अगर आप जो है वो थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में साइन की तरतीब देखें तो वो कौन सी बन रही थी, वो ये वाली बन रही थी। पहली के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी के साथ प्लस, फिर सेकंड वाले केस में यहाँ पे अगर प्लस था तो नीचे वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। और उसके बाद तीसरी के केस में पहले के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस और तीसरी के साथ प्लस, ये था थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स केस में। पहली रो के साथ, पहली रो की पहली एंट्री उसके साथ ही प्लस आ रहा था और लास्ट वाली एंट्री के साथ उसके साथ ही प्लस आ रहा था, थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के केस में। लेकिन जब फोर क्लास फोर ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात हुई तो उसमें आप देखें पहली एंट्री के साथ जो है प्लस आ रहा है, लेकिन लास्ट वाली एंट्री के साथ जो उसके साथ जो माइनस आ रहा है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा हो गया एक हर रो में, ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से। तो साइन की तरतीब जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो एक जैसी रहती है डिटरमिनेंट के केस में, चाहे आप जिस मर्जी रो या कॉलम रो से एक्सपेंड करें किसी ऑर्डर के मैट्रिक्स केस में। बस आप लोगों ने याद रखना है कि एलिमेंट पहली एंट्री का साइन जो है वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, बाकी साइन जो है ऑटोमेटिकली याद कर लेंगे। कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, पहली एंट्री का साइन जो प्लस होगा, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री का साइन जो है आपने खुद से चेंज कर देना माइनस होगा, दूसरी का प्लस, फिर तीसरी का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे प्लस है पहली एंट्री का साइन, तो दूसरे नीचे वाली एंट्री ये वाली जो कि सेकेंड में आ रही है, इसका साइन फिर आप लोगों ने खुद से चेंज कर लेना कि वो क्या होगा, माइनस होगा। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा फिर ये क्या होगा, प्लस होगा। इस तरह अगर आप लोगों ने सेकंड रो से एक्सपेंड करना है तो आप जबानी जो है साइन की तरतीब लिख सकते हैं कि मगर मैं ऐसे कहूँ कि आप लोग सेकंड रो से एक्सपेंड करके यहाँ से लिखें तो आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने फिर जेन में याद कर लेना है कि पहली एंट्री के साथ जो प्लस का साइन होता है हमेशा, तो फिर दूसरी के क्या साथ क्या होगा, यहाँ पे जो सेकंड रो की पहली एंट्री ये वाली इसके साथ क्या होगा, माइनस का साइन होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे फिर, यहाँ पे जो है रफ वर्क में जो है वो खुद से अपनी आसानी के लिए लगा देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे खुद से, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे। ये जो सेकंड रो की बात हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको साइन की तरतीब जो है वो जबानी पता चल जाएगी, आपको इस तरह माइनस वन की पावर निकाल के जो है वो साइन की तरतीब, साइन की जो है वो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। फिर आप लोगों ने ये साइन को क्या करना है, बस इन एलिमेंट्स का लगा के साथ में डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करते जाने, आपको डिटरमिनेंट का आंसर जो मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकंड रो से एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे देखें फोर के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। डायरेक्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर के साथ क्या, माइनस का साइन लगा के, और ये फोर जिस भी रो और कॉलम मौजूद है इस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी उनका डिटरमिनेंट क्या करेंगे, इस फोर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, फाइव है, उसके साथ प्लस का सिंबल है और फाइव भी प्लस में ही है, तो ये आपके पास ये प्लस फाइव ही रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा, थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह थर्ड एंट्री कौन सी है, थर्ड एंट्री आपके पास यहाँ पे है वन, उसके साथ हम लोगों ने खुद से माइनस का साइन लगाना, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन बन जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा माइनस वन, साथ में थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और लास्ट में क्या टू, उसके साथ प्लस का सिंबल लगाना है, और तो साथ में यहाँ पे लिखेंगे टू और उसके साथ प्लस का सिंबल है, साथ में थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ये जो मैंने सेकंड रो से एक्सपेंड किया ये वाला, जिस तरह यहाँ भी सॉल्व किया हुआ फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके, जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करने के बाद आपका आंसर वही आएगा जो के फर्स्ट रो से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया था 149। और साइन की तरतीब आप इस तरह साइड पे ये भी लिख के जो है वो जज कर सकते हैं कि पहले के साथ प्लस का साइन, दूसरे के साथ माइनस का साइन आएगा, तीसरे के साथ प्लस का और चौथी के साथ माइनस का, पहली रो के केस में, दूसरी रो के केस में पहले के साथ माइनस का, दूसरे के साथ जो है प्लस का, तीसरे के साथ माइनस का और चौथी के साथ चौथी एंट्री के साथ जो है प्लस का साइन आएगा। इस तरह जो है आप साइन की तरतीब को जो है वो ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ तरतीब साइन की, इस तरह लिख के भी जो जज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो ये चीज भी नोट की होगी कि जिस जैसे जैसे जो है मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑर्डर जो है बढ़ते जाते हैं, उनका डिटरमिनेंट जो फाइंड करना करने का भी फाइंड करने का जो प्रोसीजर है वो उसका टाइम जो है या कैलकुलेशन जो है वो मजीद जो है बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल टू क्लास ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट केस में अगर आप बात करें तो इसके डिटरमिनेंट का आंसर जो है आपको तकरीबन जो है वो कह लें कि हाफ लाइन या वन लाइन में जो है आपको इसके डिटरमिनेंट का आंसर जो है मिल जाता है, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपको इसका डिटरमिनेंट कहाँ से जाए वो यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उसके केस में आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, या कहने के टू क्लास टू ऑर्डर के मैट्रिक्स केस में आपको जितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है उससे आपको जो है वो उतनी कैलकुलेशन आपको जो है वो दो बार मजीद करनी पड़ती है, थ्री टाइम जो है आपको कैलकुलेशन जो है करनी पड़ती है, आपकी कैलकुलेशन जो है वो तीन गुना हो जाती है। ये अगर टू क्लास टू ऑर्डर के मैट्रिक्स की जितनी कैलकुलेशन है तो यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन आपको फिर से करनी पड़ेगी, दूसरी बार भी करनी पड़ेगी, उतनी कैलकुलेशन आपको जो है वो तीसरी बार भी करनी पड़ेगी, तो तीन गुना कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है, फिर आपको जो है थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है मिलता है, ठीक है। और जब अगर आप लोगों ने फोर क्लास फोर ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में आप देखें कि आपकी जब आप फर्स्ट रो से या किसी भी रो से एक्सपेंड करते हैं तो हर एंट्री में जो है वो आपको थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट जो है वो इन्वॉल्व हुए मिलते हैं। यहाँ पे फोर क्लास फोर ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो चार डिटरमिनेंट जो आप लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व मिलेंगे। जितनी कैलकुलेशन आप लोगों को थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए करनी पड़ी थी उतनी कैलकुलेशन आप लोगों को जो है वो चार बार यहाँ पे जो है करनी पड़ती है अगर आपके पास फोर क्लास फोर ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो जितना टाइम आपको थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए लगा था उससे चार गुना टाइम जो है वो आप लोगों को उससे उसका चार गुना टाइम जो है आप लोगों को जो है वो फोर क्लास फोर ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा, उस टाइम जो है लगाना पड़ेगा ताकि आपको इंडियन जो है फोर क्लास फोर ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है मिल सके। इसी तरह अगर आप लोगों ने फोर क्लास फोर ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने का भी यही है, ठीक है। किसी भी रो से एक्सपेंड करें, एंट्रीज के साइन को जो है फॉलो करते जाएं, पहले एंट्री के साथ प्लस का, दूसरी के साथ माइनस का, तीसरी के साथ प्लस का, चौथी के साथ माइनस का, फिर लास्ट वाली एंट्री होगी उसके साथ फिर प्लस का साइन आ जाएगा इस तरह। लेकिन जब एक्सपेंड करेंगे तो क्योंकि फाइव क्लास ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हर एंट्री के साथ जब उसके आप डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है तो यहाँ पे आपके पास फाइव क्लास फाइव ऑर्डर की मैट्रिक्स के केस में आपके पास यहाँ पे जो है वो फोर क्लास फोर ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और फाइव क्लास फाइव ऑर्डर की मैट्रिक्स के केस में जो वो चार फोर क्लास फोर ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इन्वॉल्व होंगे। ये फोर क्लास फोर ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था ये वाला, तो आपके देखें तो चार जो है वो तीन क्लास तीन और थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो इन्वॉल्व हुए हैं। अब इस तरह अगर फाइव क्लास फाइव ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे जो है वो फोर क्लास फोर ऑर्डर के पांच डिटरमिनेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है इन्वॉल्व होंगे। यहाँ भी फोर क्लास फोर ऑर्डर का आ जाएगा, यहाँ भी फोर क्लास फोर का, यहाँ भी फोर क्लास फोर का, और अगेन एक और टर्म आएगी जिसमें भी अगेन जो है फोर क्लास फोर ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इन्वॉल्व होगा। तो नेक्स्ट टाइम पे आपको क्या करना होगा, इन पांचों ही फोर क्रॉस फोर ऑर्डर के मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट है उनको भी आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। उनको भी जब आप फाइंड करोगे एक्सपेंड करने के बाद किसी भी वो कॉलम से या कॉलम से फिर उसको सिंपलीफाई करोगे तो इन दी एंड आपको जो है वो आपको फाइव क्रॉस फाइव ऑर्डर के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कहाँ से मिलेगा। तो प्रोसीजर तो सेम ही है, टेक्निक तो सेम ही है, मेथड सेम ही है, किसी भी ऑर्डर के इन जनरल किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड करने का भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है बढ़ता जाता है आपकी कैलकुलेशन जो है वो उसका टाइम जो है वो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ तकरीबन बस दुगना ही हो जाता है बल्कि दुगने से भी ज्यादा आपका टाइम जो है बढ़ता जाता है। तो टू क्लास टू और थ्री क्लास थ्री यहाँ तक तो जो है वो रीजनेबल टाइम ही लगता है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। टू क्लास टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो हम ऑलमोस्ट वन या टू मिनट में मैक्सिमम जो वैलिड कर लेते हैं, और थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है ये हम जो है वो मैक्सिमम तीन या चार मिनट में जो है वो आसानी से वैलिड कर लेते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो अच्छी है। तो ये तो रीजनेबल टाइम ही लगता है इनमें, लेकिन जब आप फोर क्लास फोर ऑर्डर के डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइम जो है ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन आठ से जो है वो दस मिनट जो है आप लोगों के जो है सात से दस मिनट जो है आपके लग सकते हैं आसानी से अगर आप लोगों ने फोर क्लास फोर ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इस तरह हाई ऑर्डर के केस में टाइम जो है वो ज्यादा लगता जाता है, इसलिए हम अपने इस कोर्स में जो है वो मोस्टली जो है प्रेफर यही करेंगे कि टू क्लास थ्रू और थ्री क्लास थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को ही डिस्कस करें। हाँ, किसी एक क्वेश्चन में हो सकता है कि फोर क्लास फोर ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इन्वॉल्व हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं है, हमने इन जनरल जो है वो एन क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना सीख लिया है, चाहे वो फाइव क्रॉस फाइव ऑर्डर का हो, चाहे सिक्स क्रॉस सिक्स का, चाहे वो टेन क्रॉस टेन ऑर्डर के मैट्रिक्स को, उसको फाइंड करने का वे टेक्निक या मेथड जो है वो सेम ही है। तो ये मुश्किल नहीं होगी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है बढ़ गया तो डिटरमिनेंट निकालना मुश्किल होगा, डिटरमिनेंट निकालना मुश्किल काम नहीं है, वो आसानी भी है कि जस्ट किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लें, या प्रेफर यही करते हैं कि फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें और अपने डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो एक्सपेंड करते हुए साइन की तरतीब को जो शफल करते हुए फाइंड आउट कर लें। बस टाइम का जो चेंज होता है जैसे जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जाम्पल नंबर थ्री में अगेन एक फोर क्रॉस फोर ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की बात हो रही है जनरली, लेकिन इस मैट्रिक्स में ये खास बात है कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या
प्रिसाइसली देखा जाए तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी मेन डायगोनल के ऊपर वाले साइड एंट्रीज क्या है, जीरो है। तो इसका अगर आप लोगों ने डिटरमिनेंट वैल्यू करना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। अब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो देख सकते हैं कि इसकी पहली एंट्री तो A11 है, लेकिन जो बाकी तीन एंट्रीज है वो क्या बन रही है, जीरो बन रही है। जब आप कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हर एंट्री को, A11 को उसके कोफैक्टर से पहले A11 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद A12 जो है, जो कि ये वाली एंट्री है, दूसरी एंट्री है जो कि जीरो है, इसकी वैल्यू भी नेक्स्ट टाइम इनपुट की हुई है, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद पहले की तीसरी एंट्री यानी कि A13 या इस जीरो को क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट वाली एंट्री के भी इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल पहली रो की पहली एंट्री तो A11 है, उसको तो इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जो भी इसका कोफैक्टर होगा, लेकिन जो बाकी एंट्रीज हैं वो क्योंकि जीरो है, जब उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर जो है वो आपको कोफैक्टर फाउंड किए बगैर ही बता सकते हैं कि इनका सभी का आंसर क्या आएगा, वो जीरो आएगा। तो जब इनका आंसर जीरो आएगा तो आपका आंसर में सिर्फ क्या बचेगा, आपके आंसर में सिर्फ जो है ए कैप स्मॉल A11 जो एंट्री है उसके साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो बच जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये किस केस में आ रहा है, ये इस मैट्रिक्स के केस में आ रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में आ रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में भी आपके पास यही आंसर आएगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अब A11 स्मॉल A11 वो एंट्री जो है वो क्योंकि जनरल मैट्रिक्स की बात हो रही है वो वैसी आएगी, और साथ में क्या आ जाएगा इसका कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 1+1 यानी कि 2 होगी, वो प्लस का साइन आ जाएगा पहली एंट्री के साथ, और साथ में डिटरमिनेंट आ जाएगा A11 जिस रो कॉलम में मौजूद है, उस रो कॉलम को डिलीट कर दें, बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट साथ में आ जाएगा। A11 जिस भी रो कॉलम में मौजूद है उसको डिलीट कर दें, बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, साथ में यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट का अगर हम आंसर फाइंड आउट करें तो अगेन फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो पहली एंट्री को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी एंट्रीज के साथ क्योंकि वो मेज क्योंकि जीरो आ रहा है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, उनका आंसर आपके पास जीरो ही आएगा, और पहली एंट्री है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो A22 के साथ मल्टीप्लाई होगा स्मॉल A22, स्मॉल A22 मल्टीप्लाई होगा डिटरमिनेंट के साथ, कौन सा डिटरमिनेंट, ये जिस रो कॉलम में जो है उसको डिलीट कर दें, बाकी जो एंट्रीज बच गई है उनके डिटरमिनेंट के साथ, उनका डिटरमिनेंट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2 का स्टोर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इन्वॉल्व हो रहा है, इसको फाइंड करेंगे तो क्या होगा, A33 A4 से मल्टीप्लाई होगा A44 से, और माइनस आंसर आपके पास आएगा 0। तो ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास आएगा A33 × A44। वो जो A33 × A44 है वो इस A11 और A22 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इन दी एंड कैलकुलेशन करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है A11, ये जो पहली एंट्री है ये वाली एंट्री, उसके बाद आंसर क्या आ रहा है, A22 A33 एंड A44। ये एंट्री कौन सी है, ये एंट्री जो है ये वाली है। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसके डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास में जाके आता है कि आप क्या करें, उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है उनको मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली, तो आपको उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो मिल जाएगा, आपको पूरा जो है वो ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने जनरली फाइंड आउट कर लिया है, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, इनको जैसे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअली इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के पूरे के पूरा जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट का आंसर होगा। ठीक है, तो इसकी जनरल बात भी कर सकते हैं, कोई भी अनक्रॉस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसकी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अनक्रॉस ऑर्डर के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो मिल जाएगा।